बड़ी कमाल की बात है दोस्तों, आज ही मैंने आपको बताया कि किस तरह से दूध का हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और आज ही, हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 20 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। अभी मैं अपनी गाय के साथ बैठा हूँ, पीछे देख सकते हैं आप, गाय बैठी है और ये उसकी बड़ी बेटी बैठी है निमकी। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है, मतलब आज का जो ब्लॉग है वो मैं इस बात से शुरू कर रहा हूँ कि गाय का या फिर भैंस का दूध कैसे बढ़ाएं, उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाएं और उसकी क्वांटिटी कैसे बढ़ाएं। तो एक कारगर तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि पहाड़ों पर बहुत पुराने ज़माने से उपयोग में लाया जा रहा है। और ये किसी तरह का पशु आहार नहीं है, ना तो किसी तरह का केमिकल है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और एकदम शुद्ध है, जिससे ना गाय को फ़ायदा नुकसान होता है, ना उसके दूध पीने वाले को कोई नुकसान होता है, ना कोई बीमारी की आशंका रहती है। तो बताते हैं आपको, उससे पहले मैं आपको गौरी से मिलवाता हूँ। तो दोस्तों ये है गौरी। अगर हमारी गाय का दूध बढ़ेगा तो हमको तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन इसको भी फ़ायदा होगा क्योंकि इसे भी थोड़ा ज़्यादा दूध मिलेगा। फ़िलहाल हम 1/4 दूध इसे देते हैं गाय का, तभी ये फटाफट बड़ी होगी। तो दोस्तों ये है वो ख़ास चीज़ जो हम अपने दूध देने वाले जानवरों को देते हैं। इसे कैसे जानवरों को देते हैं वो भी बताएंगे, और कैसे इससे दूध की गुणवत्ता और दूध की जो मात्रा है यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे इम्प्रूव होती है जानवर में, वो भी हम आपको आगे समझाएंगे। फ़िलहाल इसे हम सिलबट्टे में रखेंगे और पीसेंगे। तो दोस्तों इसको मैंने अभी सिलबट्टे में डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और उसके बाद पीसना स्टार्ट करेंगे। पीसने में लगेंगे करीब 5 मिनट। तो जब तक ये पीसेगा तब तक मैं इसके बारे में बता देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि कैसे इससे गाय का जो, या फिर गाय या फिर भैंस है, उसका दूध बढ़ता है और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो दोस्तों ये एक बहुत रेयर दाल है जिसका नाम है भट्ट। कुमाऊनी में हम इसे भट्ट कहते हैं, हिंदी में भी इसे हम भट्टी कहते हैं। केवल पहाड़ों पर ये दाल होती है। ये सोयाबीन के परिवार की ही दाल है, उसी के जैसा इसका दाना भी होता है, लेकिन ये सोयाबीन से एकदम अलग है दोस्तों। इसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं, आयरन होते हैं, जैसे कि लौह, मैग्नीशियम हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज, पोटेशियम हो गया, इस तरह के कई खनिज इस पर होते हैं इस दाल में। प्रोटीन और विटामिन की इसमें कोई कमी नहीं होती दोस्तों। कहते हैं कि जो लोग मांस नहीं खाते, अगर वो भट्ट से बनी चीज़ें खाए तो उनके जो बॉडी है उसमें प्रोटीन की कोई कमी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आज की वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि इसमें फैट ज़्यादा होता है। फैट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, फैट यानी कि वसा इसमें बहुत होता है। इसीलिए इसको हम अपने जानवर को भी खिलाते हैं ताकि जो उनकी दूध का फैट है वो बढ़ जाए और उसका बढ़िया रेट मिले, या फिर अगर बेच नहीं भी रहे हैं हम दूध तो उसमें से बढ़िया घी निकले, बढ़िया मलाई निकले। एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों, हमारे सामने एक गांव है दियारी, वहाँ कोई है, उनकी गाय का दूध कहीं जाता था एक डेयरी में। तो जब उनकी गाय का दूध पहले दिन गया तो डेयरी वालों ने कहा कि आपकी गाय के दूध में बहुत कम फैट है, केवल 3 फैट आ रहा है, आप एक काम करिए अपनी गाय को भट वट पीस के खिलाइए और फिर इसका फैट हम नापेंगे, उस हिसाब से आपको रेट देंगे। तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि केवल 1 हफ्ते में उनकी गाय का फैट 3 से 5.5 तक गया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि केवल 1 सप्ताह में फैट कितना बढ़ गया। तो इसीलिए दोस्तों हम इसे अपनी गाय, मतलब जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको खिलाते हैं। फिलहाल करीब 3-4 मिनट लगातार पीसने के बाद इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है, और 5-10 मिनट पीसने के बाद हम इस हाल में पहुंच जाते हैं। तो एक और बार मैं इसे पीस लेता हूं फटाफट से, और फिर इसे फिर मतलब गाय को हम खिला देंगे पानी के साथ। सबसे अच्छी बात है कि गाय भी इसे बहुत पसंद करती है। गाय हो गया, फिर जानवर हो गए, कोई भी भैंस हो गई, इसका स्वाद ही इतना अच्छा होता है कि इसे वो बहुत पसंद करते हैं। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया हो गया, ये मक्खन जैसा लग रहा है दिखने में, और हाथ भी इसमें से फिसल रहे हैं। काफ़ी चिकना भी होता है पीसते पीसते, और काफ़ी सॉफ्ट। हम इसे मिक्सी में भी बहुत आसानी से पीस सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे घर में आजकल मिक्सी नहीं है, तो इसलिए मुझे सिलबट्टे में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि ये 2 मिनट का काम है, और 2 मिनट की जगह मुझे लग रहे हैं इसमें 5 से 6 मिनट। फिलहाल देख सकते हैं आप, बढ़िया से पीस गया है दोस्तों। अब इसे हम करेंगे इकट्ठा और जो गाय का बर्तन है उसमें डाल देंगे।
इतना ही एक और बार पीसूंगा मैं, फिर उसे भी पीसने के बाद इसे गाय को दे दिया जाएगा पानी के साथ। तो जी दोस्तों, ये हमारे गाय का बर्तन और इसमें हमने भट पीस कर डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसे मिक्स कर देंगे और फिर देंगे हम गाय को। देखना गाय कैसे से एकदम मज़े से, मतलब 1 मिनट नहीं लगाएगी इसे पीने में। वो डाल दिया पानी, अब ले जाते हैं गाय के पास। ये देखो ऐसे मज़े से दोस्तों पीती है गाय, मैं बता नहीं सकता। और इसके साथ ही हम निमकी के लिए लाए हैं एक रोटी, क्योंकि जब गाय को हम ये देते हैं, मतलब मैं देता हूँ, तो निमकी भी कुछ ना कुछ मांगती है। तो उसके लिए मैं एक रोटी लाया हूँ और गाय को देखो कैसे मज़े से एकदम सपड़ाक करके पी रही है। वैसे देखा जाए तो हम इंसान भी बड़े लोभी ही हैं, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। गाय दूध देगी इसलिए उसे बहुत बढ़िया बढ़िया खाना दिया जा रहा है। बड़ी कमाल की बात है दोस्तों, आज ही मैंने आपको बताया कि किस तरह से दूध का हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और आज ही दूध और उसकी क्वालिटी बढ़ाने वाले भट्ट की मैं चुटाई करूँगा। बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ क्या है ये। ये देखिए दोस्तों, खेतों से जो भट आ रखा है, जो भट की भट जो दाल मैंने आपको पीस की दिखाई थी, उसकी जो फलियाँ हैं ये देख सकते हैं आप, ये हैं ये सारा। इसको एक बड़े से डंडे से पीटा जाएगा, 3-4 दिन से लगातार धूप में सूख रही है, एकदम क्रिस्पी है। अब इसे ऐसे तोड़ा जाएगा कि इसके दाने दाने अलग हो जाएं और एकदम भूसा अलग हो जाए। फिर भूसे को मम्मी अलग करेगी हवा के जरिए सूप से बताकर। तो फिलहाल इसकी कुटाई का प्रोग्राम बनाते हैं। तो देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने इस पर डंडे से प्रहार करना शुरू कर दिया है भट्ट के ऊपर। अब हम इसका ऐसा हाल करेंगे कि जो आपको ये बहुत सारा दिख रहा है, एकदम सिकुड़ के हो जाएगा बहुत कम। हम इसे इतना तोड़ेंगे कि इसका चूरा हो जाएगा। और सबसे ख़ास बात कि जो नीचे का माल है, मतलब जो साबुत है, उसे भी हम उठाते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, ताकि कोई भी दाना, मतलब कोई भी फली ऐसी ना बची जिसमें दाना रह जाए। देख सकते हैं आप इस तरह फिर से इसे कूटा जाएगा। और लगातार 5-7 मिनट कूटने के बाद इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, ये इतना ही रह जाएगा। अब इसमें से मम्मी क्या करेंगी, भूसा अलग कर देंगी और दाना अलग कर देंगी, वो काम होगा मम्मी का। फिलहाल मेरा काम यहीं पे हुआ समाप्त, अब हम वीडियो बनाएंगे दूर से। तो दोस्तों, मम्मी ने मोटा भूसा इसमें से अलग कर दिया है जिसमें दाने नहीं हैं। फिलहाल जो ये बारीक वाला है, इसको फिल्टर किया जा रहा है हवा के द्वारा, और इसमें से दाने अलग किए जा रहे हैं और जो बारीक वाला भूसा है उसे अलग किया जा रहा है। इसे फिर से एक बार फिल्टर किया जाएगा, तब जाके दाने एकदम साफ होंगे। दे सकते हैं आप, ये है भट जिसको मैंने सुबह दूध बढ़ाने के लिए अपनी गाय के लिए पीसे थे। तो दोस्तों, अभी बज गए हैं रात के 8, और आजकल अंधेरा भी इतनी जल्दी हो जा रहा है कि शाम का कुछ पता नहीं चल रहा। 5:30 बजे ही अंधेरा हो जा रहा है। तो फिलहाल आज के वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो, थोड़े से भी अच्छे लग रहे हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल राजू नेगी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह 9:00 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। टाटा।